amidst criticism from within the party about breaking the grand alliance with RJD in Bihar and forming a government with Bharatiya Janata Party, Bihar Chief Minister Nitish Kumar met cabinet colleagues to discuss how to fine-tune coordination with the JDU, BJP and LJP government in the state. It was the first meeting of Nitish Kumar with his ministers, and it was followed by another meeting he had with the secretaries of all departments. Sushil Kumar Modi, who has been appointed as Deputy Chief Minister of Bihar, said that meeting aimed at focusing on putting together a growth roadmap while reviewing the status of work done by departments. मुख्यमंत्री जी ने और सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई है और चूंकि नया मंत्रिमंडल बना है बहुत सारे नए मंत्री भी हैं तो कामकाज करने के तौर तरीके के बारे में विभागों की समीक्षा के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में और आज उन्होंने एक बैठक बुलाई है और बैठक के बाद भोजन की भी सब लोगों की वही व्यवस्था है। सभी मंत्रियों के साथ अलग से मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, कैसे सरकार के कामकाज को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगे, मिशन मोड में विकास के काम को आगे बढ़ाना है, आज इस बैठक का उद्देश्य वही। हाँ, अभी विभागीय समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी, सब जिसमें माननीय मंत्री लोगों को जो जो विभाग मिला है उसकी अभी समीक्षा होगी, फिर शाम में सेक्रेटरी लोगों से उसके साथ बैठक।